of class 10th. Today I would like to discuss with you the two different phases of photosynthesis. Previous class में हम लोगों ने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को पढ़ा था और उसमें मेसोफिल और क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्टडी किए थे। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस का जो दो इम्पोर्टेंट फेज, लाइट फेज और डार्क फेज, उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि यह सिलेबस से एस चांद में जो है या क्लास टेंथ के सिलेबस में है नहीं, फिर भी थोड़ी जानकारी के लिए ये ज़रूरी है कि डार्क फेज और लाइट फेज जो है फोटोसिंथेसिस का दो इम्पोर्टेंट फेज, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस जो क्लास हुआ था उस क्लास में हम लोगों ने लाइट फेज की चर्चा की थी, जिसमें लाइट फेज में NADPH2 का फॉर्मेशन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन वगैरह वगैरह हम लोगों ने स्टडी किया था। थोड़ा उस पर लाइट ऑन कर लेते हैं उसको, कि फोटोसिंथेसिस का जो दो इम्पोर्टेंट फेज था उस फेज में सबसे पहला है लाइट फेज, लाइट फेज, एंड सेकेंड है आपको डार्क फेज। ये दो फेज हैं, दो पाथवे हैं जिसके अंतर्गत टोटल फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में लाइट फेज की चर्चा हुई थी कि लाइट फेज क्या है, तो लाइट फेज लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जिसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इसको रॉबिन हिल 1937 में इसको स्टडी किया था, इसलिए उन्हीं के नाम से इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। रॉबिन हिल ने लाइट रिएक्शन को स्टडी किया था, ठीक है ना। और इसका साइट हमने बताया था आपको कि ये क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। और लाइट फेज का जो इम्पोर्टेंट फिनोमिनन है, जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं लाइट फेज में, इसमें जो है सबसे पहला बताया गया था आपको कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, यह क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि क्लोरोफिल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट देम इनटू केमिकल एनर्जी। अर्थात क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया होगा आपको कि जब सोलर एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसके कारण ये एक आयन का फॉर्मेशन करता है। और इसमें आपको ये बताया गया था कि CH क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट के द्वारा आयनाइज हो जाता है, इसे एनर्जी पा करके आयन में, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट में आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी जो क्लोरोफिल के माध्यम से होता है, इसमें क्लोरोफिल आयन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। यानी लाइट एनर्जी में जो लाइट में जो एनर्जी है, वो एनर्जी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को एक्साइट कर देता है और उसे मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं एटॉमिक फॉर्म में, और यह आयन में कन्वर्ट हो जाता है और यह एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है कि कौन कितने मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल के पार्टिसिपेट हो रहे हैं। लेकिन शॉर्टली आप कह सकते हैं कि ये क्लोरोफिल एक्साइटेड हो जाते हैं। सेकेंड में आपको बताया गया था कि ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड में आपको बताया गया था कि क्लोरोफिल जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो यह जो लाइट एनर्जी है, यह मेसोफिल सेल में पाए जाने वाले जो वाटर फिल्म हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वह एनर्जी के, इस लाइट एनर्जी के कारण क्या होता है,
कि स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद वह आयन में चेंज हो जाते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने देखा था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है अर्थात सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में H2O डिकम्पोज हो जाता है H+ OH-, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है, ठीक है। यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अंडर द इफेक्ट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का जो फोटोलाइसिस होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन और वाटर डिसोसिएट हो जाते हैं, वाटर टूट जाते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक है। अब देखिए कि थर्ड स्टेप में ये है फोटोलाइसिस, इसको बोलेंगे फोटोलाइसिस। लाइसिस का मतलब टूटना होता है, फोटो का मतलब हुआ लाइट, यानी लाइट की उपस्थिति में जो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो वाटर मॉलिक्यूल आयन में टूट जाएंगे, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वाटर में दोनों आयन पाया जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन भी और हाइड्रोजन आयन भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब सी में हम लोग देखेंगे कि NADP का फॉर्मेशन है, कि फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, ठीक है ना, NADPH2 इसका फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि NADPH2 क्या है। NADPH2 जो है इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन, रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल में जो है NADP एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो प्लांट के बॉडी में होता है। यह एनिमल बॉडी में जो है NAD के रूप में पाया जाता है, प्लांट में NADP के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो फॉस्फेट है, यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है NADP, जो हाइड्रोजन आयन जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान जो बनता है उससे मिलकर के NADPH2 का फॉर्मेशन करता है। तो थर्ड स्टेप में आप लिखेंगे कि जो NADPH2 का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, तो इसमें याद रखना है कि NADP अर्थात NADP क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो प्लांट बॉडी में पाया जाता है। वह NADP हाइड्रोजन आयन को, ये जो हाइड्रोजन आयन है इसको पिकअप कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, जो NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। NADPH2 यह है रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, रिड्यूस्ड हाइड्रोजन एटम इसमें कंबाइन हो गए हैं, इसलिए इसको रिड्यूस्ड कहेंगे, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, केमिस्ट्री में है। तो इसमें जो है आपको ये रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड, इसका यूज क्या है आगे बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं। सी में, डी में देखिए कि ATP का फॉर्मेशन होता है। तो पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। थर्ड में देखिए कि लिबरेशन ऑफ O2 गैस, यानी लाइट फेज में क्या होता है, लाइट फेज में कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लिए हैं इससे पहले कि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो NADPH2 का फॉर्मेशन करता है NADP के द्वारा, ठीक है ना। अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन जो बनते हैं फोटोलाइसिस के दौरान, ये हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है यह क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा जो है सो कंडेंस्ड हो जाता है, जिसके कारण OH एक सब्सटेंस बनता है हाइड्रोक्सिल, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होते हैं, अर्थात ये जो OH है OH- ग्रुप CHl+, ये देखिए CHl+ यानी क्लोरोफिल आयन जो यहाँ पर बना था, यह क्लोरोफिल आयन जो है यह इसको क्या है, जो ये हाइड्रोक्साइड आयन को क्या करता है, जो ऑक्सीडाइज कर देता है, और OH ऑक्सीडाइज हो जाते हैं माइनस हाइड्रोक्सिल OH में, ठीक है कि नहीं। यानी यह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, ये उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अर्थात क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा जो है हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाता है आपको
ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, जिसके कारण एक हाइड्रोक्सिल रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और यह हाइड्रोक्सिल जो है यह कंडेंस्ड होकर के ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। अर्थात अगेन है OH गिव्स O2 प्लस H2O, ठीक है कि नहीं। यह जो है आपको यही कंडेंस्ड होकर के और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है और वाटर, यानी आपको ये पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर का ये ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन वाटर के द्वारा रिलीज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल देते हैं, लेकिन जो गलत है सही होगा कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस में, जो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करने में सहायक होता है, ठीक है कि नहीं। अर्थात वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यह लाइट फेज में होता है, ठीक है। ये सभी घटनाएं जो होती है लाइट की उपस्थिति में होता है, इसलिए यह लाइट रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग डी में, ये नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी कहेंगे कि एटीपी क्या है, तो चूंकि एनर्जी मॉलिक्यूल है, एनर्जी मॉलिक्यूल लिविंग बॉडी में तीन प्रकार का होता है। एक होता है एएमपी, ये देखो यहाँ पर यह है एएमपी, एडीपी और एटीपी, ठीक है कि नहीं। ये जो फाइनल एटीपी है यही हायर एनर्जी मॉलिक्यूल है, जिसके कारण क्या होगा, जो बॉडी में एनर्जी जीव जो ऑर्गेनिज्म है इसी एटीपी से एनर्जी को लेता है। तो एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और ये डाइफॉस्फेट जो होता है यह लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल है, जो बॉडी डायरेक्ट इसको कंज्यूम नहीं कर सकता है एनर्जी को। तो ये एटीपी जो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है, इसका इस्तेमाल जीव अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए और शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है लाइट की उपस्थिति में, अब देखिए कि प्लांट बॉडी में जो एडीपी है, एडीपी वो क्या है कि लाइट की उपस्थिति में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन होकर के एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो आप देखेंगे कि एडीपी प्लस आईपी, ये क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, गिव्स एटीपी, ठीक है कि नहीं। अब याद रखना है कि एटीपी जो है यह हायर एनर्जी मॉलिक्यूल है, हायर एनर्जी करेंसी है, जिससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर ऑब्टेन करता है और अपने प्रोसेस मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, जो बॉडी फंक्शन के लिए यूज़ करता है, ठीक है। तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है ये लाइट फेज में, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो प्लांट बॉडी में है और एडीपी दोनों कंबाइन होकर के लाइट की उपस्थिति में एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये जो मेन यही लास्ट होता है लाइट फेज। तो लाइट फेज में जो एटीपी का फॉर्मेशन होगा, इसको बोलेंगे प्रोसेस को फोटोफॉस्फोरिलेशन। द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन लाइट फेज फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दैट इज आईपी इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है कि नहीं। यह फोटोफॉस्फोरिलेशन ये प्रोसेस है। अब देखिए कि आपने देखा कि लाइट फेज में जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, तो मेन प्रोडक्ट्स लाइट फेज में है NADPH2, ठीक है। उसके बाद ये ये सेकेंड है जिसमें ऑक्सीजन और वाटर लाइट फेज में बनता है, और ये जो थर्ड है ये क्या है, एटीपी बनता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट की चर्चा हुई थी कि बाय प्रोडक्ट है कि द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस अदर देन डिजायरेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है कि नहीं। यानी किसी भी प्रोसेस के दौरान डिजायरेबल प्रोडक्ट के अलावे जो प्रोडक्ट बनता है उसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है और यह प्लांट बॉडी से रिलीज हो जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो प्लांट को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो रेस्पिरेशन से 7 times ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी प्लांट को जितना ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, उससे 7 times ज़्यादा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए प्लांट को रिलीज करना बहुत आवश्यक होता है और पौधे इसको रिलीज करते हैं। ये वाटर जो है यह प्लांट के बॉडी में ही ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और ये जो है सो आपको NADPH2 और ATP यह एनर्जी सोर्स है, जो लाइट फेज में या डार्क फेज में इसी एनर्जी का इस्तेमाल जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए होता है। इसलिए आप कह सकते हैं
हैं कि एटीपी और एनएडीपीएच2 जो है यह एसिमिलेटरी पावर है, ठीक है कि नहीं। एसिमिलेटरी पावर क्या मतलब हुआ, ये एसिमिलेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में, ठीक है कि नहीं। तो एसिमिलेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन जब ग्लूकोज में होता है तो उसमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो है सो कहाँ से प्राप्त होगा आपको, इससे एटीपी और एनएडीपीएच2 से प्राप्त होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये लाइट फेज का मेन प्रोडक्ट है। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो डार्क फेज, ठीक है, ये पिछली कक्षा में इसकी चर्चा हुई थी, अब हम लोग डार्क फेज देखें कि डार्क फेज क्या है। आपको याद रखना है कि लाइट फेज को रॉबिन हिल ने 1937 में स्टडी किया था, इसलिए ये जो है सो लाइट फेज जो प्रोसेस है ये इसमें क्या है जो आपको लाइट की उपस्थिति में होता है और ये ग्राना रीजन में होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये डार्क फेज क्या है, ठीक है। तो डार्क फेज देखो, ये सेकेंड फेज है डार्क फेज, डार्क फेज। तो डार्क फेज है कि यह लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इंडिपेंडेंट यानी दिन में ही होता है ये भी, लेकिन यहाँ पर लाइट प्रवेश पास नहीं कर पाते हैं, इस रीजन में लाइट आता नहीं है, और ये क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा में होता है, एस्ट्रोमा में। यानी आप जानते हैं कि जो थैलेक्वाइड होते हैं, वो थैलेक्वाइड जो है वह ग्राना के बहुत सारे ग्राना अगर आपस में एक जगह मिल जाते हैं तो थैलेक्वाइड बनाता है, और वह मोटा होने के कारण वो ओपेक हो जाता है, और लाइट एनर्जी जितनी भी है सभी ग्राना रीजन में ही रह जाते हैं। उसका जो लोअर पार्ट है, नीचे जो ग्राना का जो थैलेक्वाइड के नीचे का जो रीजन है उसमें लाइट प्रवेश नहीं कर पाता है, तो लाइट रिएक्शन जो ये, तो वहाँ पर डार्क फेज होता है। डार्क फेज का मतलब ये नहीं है कि रात में होती है, ये दिन में ही होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाता है इसलिए लाइट की अनुपस्थिति में होता है। तो यह एनर्जी कहाँ से मिलता है डार्क फेज के लिए, तो आप वही एटीपी और एनएडीपीएच2 जो है वह एनर्जी प्रोवाइड करता है डार्क फेज में। तो डार्क फेज लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, और यह होता कहाँ है, एस्ट्रोमा में, एस्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा में होता है, ठीक है कि नहीं। और इसको सबसे पहले किसने दिया था, तो मेल्विन, देखिए मेल्विन केल्विन, ठीक है कि नहीं, मेल्विन केल्विन 1946 में मेल्विन केल्विन ने दिया था, इसलिए इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं। डार्क फेज को केल्विन साइकिल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपको इसका अदर नेम है, इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है, C3 साइकिल, ठीक है कि नहीं। इसको दूसरा नाम है हैच एंड स्लैक साइकिल, हैच एंड स्लैक साइकिल कहेंगे। इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं, ब्लैकमैन्स रिएक्शन। देखिए डार्क फेज को ये सभी नामों से जाना जाता है, केल्विन साइकिल कहते हैं इसको, क्योंकि ये इसकी खोज, इसको स्टडी किया था मेल्विन केल्विन ने 1946 में, ठीक है कि नहीं। इसको C3 साइकिल कहते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो C3 एलिमेंट, C3 कंपाउंड है, यानी ये C3 प्लांट में ही होते हैं, ठीक है। और इसको हैच एंड स्लैक साइकिल कहते हैं कि हैच और स्लैक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिटेल स्टडी दिया था, इसलिए इसको हैच एंड स्लैक साइकिल कहते हैं। और ब्लैकमैन रिएक्शन इसको कहते हैं क्योंकि ब्लैकमैन ने बताया था कि डार्क फेज में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वह रिड्यूस्ड हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है, इसलिए इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसका जो मेन स्टेप है उसको हम लोग देखेंगे, होता कहाँ है, तो होता है डार्क फेज, डार्क फेज जो है वह दिन में ही होता है, और यह एस्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, रात में यह नहीं होता है, ठीक है, यह दिन में ही होगा। अब चलिए आप आगे देखेंगे कि इसका जो मेन स्टेप्स क्या है डार्क फेज का। तो डार्क फेज का जो मेन स्टेप्स है कि सबसे पहले आपने देखा कि जो दो इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो वाटर का इस्तेमाल, वाटर का जो यूज है वह लाइट फेज में हो गया, ठीक है। और यह वाटर से ऑक्सीजन, वाटर आपको कह सकते हैं जो NADPH2 सभी वाटर से बना है, ठीक है ना। चूँकि और डार्क फेज, और
कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड, वह कार्बन डाइऑक्साइड लाइट फेज में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ठीक है कि नहीं। अब ये जो CO2 जो एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का, वह यूज होगा आपको डार्क फेज में। तो डार्क फेज का जो मेन स्टेप है, उस मेन स्टेप में आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए सबसे पहला जो स्टेप है डार्क फेज का वो क्या है, स्टेप्स फर्स्ट स्टेप है कि CO2 पिक्स अप इज पिक्ड अप बाय RUBP, ठीक है ना। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है RUBP कार्बोक्सिलेज, ठीक है कि नहीं, एक एंजाइम है, ठीक है कि नहीं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करता है, यानी जो प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करते हैं वह प्लांट CO2 जब, वह एक विशेष एंजाइम है जिसको RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहते हैं। यह RUBP जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप कर लेता है और एक अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जो 6C कंपाउंड, यानी यह 6 कार्बन एटम वाला एक कंपाउंड है जो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है डार्क फेज में वह RUBP के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे एक अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो 6 कार्बन एटम वाला कंपाउंड है, ठीक है कि नहीं। सेकेंड फेज में देखिए कि ये जो 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं यह कहाँ चला जाता है, क्लीवेज में, क्लीवेज यानी 6C कार्बन कंपाउंड टूटता है, किसमें टूटता है, तो इसका ब्रेकिंग डाउन होता है जिसके PGA, ये देखो PGA, ठीक है, इसका नाम है कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3C कंपाउंड है, यानी 3 कार्बन कंपाउंड है, और यह स्टेबल होता है, स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल अर्थात आप कहेंगे कि डार्क फेज का सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो C3 एटम होता है उसमें, यानी 3 कार्बन एटम का बना होता है, जिसको PGA कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है ना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यह स्टेबल कंपाउंड है जो सबसे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है डार्क फेज का। और चूंकि इसमें 3 कार्बन कंपाउंड हैं, ये इसमें 3 कार्बन कंपाउंड वाला ये सब्सटेंस है ये, इसलिए डार्क फेज को C3 साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है कि क्लियर। डार्क फेज को C3 साइकिल इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें सबसे पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन एटम्स वाला बनता है जो PGA है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एक चीज याद रखना है कि एक मॉलिक्यूल 6C कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है तो 2 मॉलिक्यूल PGA का फॉर्मेशन होता है, इसको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ अनस्टेबल कंपाउंड 6C कंपाउंड अंडरगोज क्लीवेज प्रोसेस टू फॉर्म 3 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, यानी 3 PGA का फॉर्मेशन करेगा। ये PGA जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यह स्टेबल कंपाउंड है जो आपको डार्क फेज में बनता है। अब देखिए कि 3 स्टेप में है कि PGA जो है आपको PGA डार्क लाइट फेज में जो NADPH2 ATP बना था, तो PGA जो है वह ATP, यहाँ पर देखो ATP एंड NADPH2, ATP और NADPH2 के कारण PGA जो है फॉस्फोग्लिसराइड, ये ग्लाइसरिक एसिड, यह क्या होता है कि जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इसमें PGALD में, PGALD इसको बोलेंगे फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है कि नहीं। PGA इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड NADPH2 चेंज्ड इनटू PGALD, और यह PGALD क्या है, यह फॉस्फोग्लिसराइड है, और यह PGA बन जाता है फॉस्फोग्लिसराइड में। फोर्थ स्टेप में है कि कुछ पार्ट, यानी आप रखना है सम पार्ट ऑफ PGALD इज चेंज्ड इनटू ग्लूकोज एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ PGALD इज यूज्ड अप इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, ठीक है कि नहीं। यानी PGA जो PGALD में चेंज होगा, तो PGALD का मतलब हुआ कि आप लिख देते हैं ठीक से,
अब देख लेंगे इसको, ये थ्री है, थ्री में PGA ATP NADPH2 तो होता है PGALD प्लस ADP प्लस IP प्लस NADP प्लस NADP प्लस H2O, ठीक है कि नहीं, ये H2O भी रिलीज होगा, ठीक है। तो ये जो है आपको PGALD जो है ये मेन पार्ट है, और यही PGALD कुछ पार्ट जो होते हैं ये फोर्थ स्टेप में देखेंगे कि सम पार्ट ऑफ, याद रखना है कि सम पार्ट ऑफ PGALD यानी PGALD एच चेंज्ड इनटू ग्लूकोज अलोंग विथ सेवरल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, ठीक है कि नहीं, बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा, और PGALT का जो कुछ पार्ट है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और रिमेनिंग पार्ट जो PGALD का है कि द रिमेनिंग, या लिखना है कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ PGALD इज यूज्ड अप इन द फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स, ठीक है कि नहीं। यानी अदर कंपाउंड का मतलब क्या है कि ये ग्लूकोज तो बनेगा ही, इसके अलावा NADP भी बनेंगे, ठीक है कि नहीं, RUBP भी बनेंगे टू कंटिन्यू द प्रोसेस, यानी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए जो चीज़ यूज अप हो रहा है वही सब PGALD के कारण बनेगा। तो इसका जो एक डार्क फेज का जो मेन रिएक्शन है उसको आप देखेंगे कि डार्क फेज का जो रिएक्शन क्या है, तो CO2 प्लस RUBP प्लस 12 NADPH2 प्लस 18 ATP गिव्स, देखो C6H12O6 प्लस RUBP प्लस 12 NADP प्लस 12H प्लस प्लस 18 ADP प्लस 18 IP, ठीक है कि नहीं। ये डार्क फेज का एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जिस रिएक्शन को आपको याद रखना, ठीक है। तो ये देखेंगे आपको कि जो डार्क फेज में कार्बन डाइऑक्साइड से ही जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है, अर्थात ब्लैकमैन ने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन ग्लूकोज में होना ही क्या है, ब्लैकमैन रिएक्शन है, इसको ब्लैकमैन ने बताए थे। तो सीधे आप लिखेंगे कि द कन्वर्सन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू ग्लूकोज इन डार्क फेज इज कॉल्ड ब्लैकमैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट फेज है जो हो गए आपका डार्क फेज और लाइट फेज, ठीक है। अब जो भी इसमें कन्फ्यूजन होगा हम लोग गूगल मीट से जो डिस्कस करेंगे तो उसमें आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग ने डार्क और लाइट फेज को स्टडी कर लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कि फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्यों, ये लाभदायक कैसे है, ठीक है ना। और तो सबसे पहले देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेन प्रोडक्ट्स जो है फोटोसिंथेसिस टू मेक ग्लूकोज, सेकेंड है ग्लूकोज बनते हैं फोटोसिंथेसिस में, इसका इम्पोर्टेंस है। यह ग्लूकोज हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, प्लांट में भी एनर्जी यूज होता है, एनिमल भी सभी इसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं अपने डेली प्रोसेस के लिए। सेकेंड है कि इसका सेकेंड इम्पोर्टेंस है कि टू रिलीज ऑक्सीजन O2 गैस, या O2 गैस रिलीज करता है, ठीक है ना। ग्लूकोज क्या ज़रूरी है,
ग्लूकोज हमारे बॉडी के बायोमास को डेवलप करता है, ठीक है। ग्लूकोज डेवलप्स द बायोमास ऑफ एनी ऑर्गेनिक बॉडी। आप पिछले क्लास में आपने बायो हमने डिस्कस किया था बायोमास को कि टोटल ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स बायोमास। यानी किसी भी बॉडी लिविंग बॉडी से 70% से 75% वाटर लॉस होने के बाद जो रिमेनिंग रेसिड्यू बचता है दैट इज कॉल्ड बायोमास, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के दौरान। और ये ऑक्सीजन गैस तमाम जीव जंतु जो है रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, ठीक है। अगला है कि थर्ड इसका जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है कि नहीं, जो टू इंक्रीज ड्राई वेट, ड्राई वेट अभी जस्ट आपको बताया था ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के ड्राई वेट को ये क्या करता है जो को डेवलप करता है, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो भोजन नहीं मिलेंगे, भोजन नहीं मिलेंगे तो जीव स्टार्वेशन में चला जाएगा। स्टार्वेशन करने के बाद कारण क्या होता है, उसके बॉडी का ड्राई वेट यानी बायोमास क्या होगा, उसका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ये इसका फॉर्म है कि कीप्स द बैलेंस ऑफ ओ टू एंड सी ओ टू गैस इन द एयर, अर्थात एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को, गैस के बैलेंस को ये मेंटेन करता है फोटोसिंथेसिस। एक चीज़ आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट रेस्पिरेशन ऑक्सीजन यूज कर, दिन में भी पौधे ऑक्सीजन ही यूज करते हैं और रात में भी ऑक्सीजन ही यूज करते हैं, किस लिए, तो रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो प्लांट जो दिन में रेस्पिरेशन का जो यूज का ऑक्सीजन जो यूज करता है तो उसके बॉडी में जो ऑक्सीजन बनते हैं उसी से, रात में चूंकि ये बॉडी में इसका फॉर्मेशन नहीं होता है ऑक्सीजन का, फोटोसिंथेसिस नहीं होने के कारण, तो रात में ये एटमोसफेयर से लेते हैं। तो ये चार इसके मेन इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग इसका फैक्टर्स देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हम चलेंगे कि फोटोसिंथेसिस को लेकर के कि द फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाला फैक्टर्स क्या है, तो ये जो फैक्टर्स मेन हैं, तो मेन फैक्टर्स सबसे पहले देखोगे कि सबसे पहला है कि आपको फर्स्ट फैक्टर्स हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है। तो बहुत जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में आपको जैसे देखेंगे कि सनलाइट, सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। यदि लाइट्स पर्याप्त पौधों को मिलता रहे, ठीक है, तो पौधे में जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो ऑप्टिमम होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सनलाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इफ प्लांट रिसीव कॉन्स्टेंट लाइट, ठीक है, एंड विथ हाई इंटेंसिटी, देन इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो है सनलाइट का जो तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, तो पहला क्या है सनलाइट में, ये सनलाइट का जो पहला फीचर है, सेकेंड फीचर एंड थर्ड फीचर। तो सनलाइट का जो सबसे पहला फीचर है कि क्वालिटी ऑफ लाइट, ठीक है कि नहीं, लाइट की जो है क्वालिटी है, ठीक है कि नहीं, यानी लाइट का जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो उसमें क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइट। दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और थर्ड में है आपको कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट। यानी ये जो तीन इंपॉर्टेंट लाइट का फैक्टर्स हैं, तो लाइट का जो क्वालिटी है, तो क्वालिटी ऑफ लाइट में आप क्या रखेंगे कि जो लाइट की जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कि यदि लाइट पौधे को मिलते रहता है, यानी क्वालिटी में, एक मिनट देखेंगे हम लोग, क्वालिटी को ड्यूरेशन कर देंगे, ठीक है कि नहीं,
ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो क्वालिटी में हम लोग लाइट के कलर के बारे में स्टडी करेंगे कि कलर ऑफ लाइट है तो लाइट का जो क्वालिटी है यानी विजिबल रेज 7 है, ठीक है कि नहीं, विजिबल 7 रेज है विग्योर, ठीक है कि नहीं। तो ये क्वालिटी हुआ लाइट का, ठीक है। लाइट का क्वालिटी का मतलब है कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज कॉल्ड इट्स क्वालिटी, और ये विग्योर है, ठीक है। तो लाइट का जो इम्पोर्ट बेस्ट क्वालिटी है जिसमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है वो क्या है, रेड लाइट, रेड एंड ब्लू। रेड और ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है, सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है रेड, हाईएस्ट रेट है रेड में, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट क्या है, ब्लू में। लेकिन जो ग्रीन, ये हाईएस्ट रेट है, हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर जो होता है लाइट का, ग्रीन लाइट, इसमें लिस्ट यानी लिस्ट फोटोसिंथेसिस होते हैं, यानी आप देखेंगे कि रेड कलर और ब्लू कलर में फोटोसिंथेसिस है मैक्सिमम होता है, लेकिन ग्रीन कलर में सबसे कम यानी नहीं के बराबर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ठीक। अब आगे देखेंगे तो हमने देखा कि क्वालिटी ऑफ लाइट अर्थात है कि क्वालिटी ऑफ लाइट रेफर्स टू द कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट के कलर कंपोनेंट को रेफर करता है इसका क्वालिटी, और रेड लाइट में और ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा होता है, और ग्रीन लाइट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट का इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है कि द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी फॉल ऑन द यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है कि नहीं, वेदर प्लांट और अर्थ, इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी लाइट का इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगा और तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा, यानी सुबह में और शाम में जो होता है कि सनलाइट स्लेंटिंग जाता है तो लार्ज एरिया को कवर करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ जो लाइट होता है वो लार्ज एरिया में स्प्रेड होता है, जिसके कारण क्या होता है जो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसलिए सुबह और शाम में इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत कम होते हैं, लेकिन दोपहर के समय में इन कम एरिया को क्या करता है, लाइट कवर करता है, जिससे ओवरहेड होते हैं सन तो डायरेक्ट लाइट फॉल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी डेवलप हो जाती है। आपको याद रखना है कि अगर लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट का अगर लो इंटेंसिटी है तो प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो क्या होता है, 10% ज़्यादा हो जाता है। यानी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्सीड्स बाय 10% विथ द इंक्रीज ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द लो इंटेंसिटी। यानी आप समझ लीजिए ठीक से कि अगर लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने पर फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वह 10% इंक्रीज करता है, लेकिन हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बढ़ने पर फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। बात समझ में रही है। यदि लाइट का इंटेंसिटी लो हो सपोज और टेम्परेचर 20 डिग्री टेम्परेचर हो, और 30 डिग्री टेम्परेचर में, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री हो जाती है तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर जो 20 डिग्री टेम्परेचर पर जितना हो रहा था फोटोसिंथेसिस उसका 10% ज़्यादा होगा 30 डिग्री पर। लेकिन हाई इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होगा तो 20 डिग्री सपोज अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाई है और 20 डिग्री टेम्परेचर पर जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है उससे दोगुना क्या होगा, 30 डिग्री पर होगा, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस दोगुना हो जाता है, लो इंटेंसिटी में प्रत्येक 10 डिग्री पर 10% का इंक्रीज होता है, ठीक है, याद रखना है। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया। सेकंड है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो लाइट का जो ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है कि यदि फोटोसिंथेसिस, इसको कहते हैं फोटो पीरियड्स, ठीक है कि नहीं, ड्यूरेशन ऑफ लाइट डायरेक्ट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
यदि पौधे में लाइट जो है कांस्टेंट लगातार पड़ते रहता है ज़्यादा समय के लिए, तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। अगर लाइट टर्मिनेंट हो, टर्मिनेंट लाइट में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो ज़्यादा होता है। तो टर्मिनेंट लाइट का मतलब हुआ कि जब लाइट रुक रुक करके, पौधे में लाइट जब रुक रुक कर पड़ता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ते हैं। लगातार लाइट पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा, क्योंकि लाइट पड़ने पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो होता है, फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और यह ग्लूकोज जो है स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ग्लूकोज दिन में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोरिलेज। तो फॉस्फोरिलेज एंजाइम के कारण ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होगा। तो ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट होने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है कि नहीं। इसलिए अगर लाइट लगातार पौधे पर पड़ता रहता है, हाई इंटेंसिटी हो चाहे लो इंटेंसिटी हो, लाइट अगर लॉन्ग पीरियड तक लगातार पड़ते रहेगा तो फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। लेकिन टर्मिनेंट लाइट अर्थात रुक रुक कर लाइट अगर रुक रुक कर पौधे पर पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस के रेट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है कि नहीं। इसलिए बरसात के समय में कभी बादल होते हैं, कभी पूरा आकाश क्लियर हो जाता है, धूप होते हैं, कभी छांव हो जाता है, तो बरसात के दौरान क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस पौधे में ज़्यादा होते हैं और पौधे का विकास ज़्यादा होता है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये देख लिया आपने कि ड्यूरेशन है कि अगर पौधे में टर्मिनेंट लाइट यानी रुक रुक करके लाइट पड़ता है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, और लगातार लाइट पड़ने पर फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाता है, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट में देखा सनलाइट, सेकंड है टेम्परेचर, टेम्परेचर है टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाइट फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने के लिए। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो भी क्रिया होगी उसमें एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स प्ले क्रूशियल रोल एंड द रेंज ऑफ वर्किंग ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम इन प्लांट्स बॉडी इज फिक्स्ड। सो प्लांट बॉडी में जो टेम्परेचर है रिक्वायर्ड, जिस टेम्परेचर पर इसका एंजाइम बहुत हाईली फंक्शनल होता है, वो कितना है, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यह जो है 20°C से 25°C, ठीक है, यह ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होते हैं, ठीक है कि नहीं। और इस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होते हैं जिससे क्या होगा, जो फोटोसिंथेटिक एंजाइम जो होता है इसी टेम्परेचर पर हाईली फंक्शनल होता है। इसलिए द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम एट द टेम्परेचर बिटवीन 20 to 25 degrees Celsius, ठीक है। अगर देखो यहाँ, अब आपको याद रखना है कि इस पर मैक्सिमम या ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, अर्थात इस टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस होता है। अब एक चीज़ याद रखना है कि आप सभी पौधे में इस प्रकार की क्रिया नहीं होती है। जो हमारे इधर जो सी3 प्लांट्स हैं, जो सी3 प्लांट्स हैं हमारे आसपास जो पाए जाते हैं, जो प्लेन्स समतल प्लेन एरियाज में होते हैं, लैंडफॉर्म का जो समतल भूभाग है, इस पर ये टेम्परेचर क्या है, ऑप्टिमम है, जिस पर फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। अगर देखिए कि बिलो 10, ठीक है ना, बिलो 10°C एंड अबव 40°C क्या होगा, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है कि नहीं। स्टॉप्स का मतलब क्या हुआ कि 10° टेम्परेचर के नीचे और 40° टेम्परेचर के ऊपर फोटोसिंथेसिस का जो एंजाइम है वो फंक्शनल नहीं रह पाता है, जिसके कारण क्या, तो वो अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब चलेंगे हम लोग कि यदि सनलाइट नहीं है दिन में, ठीक है कि नहीं, अगर दिन में सनलाइट नहीं है लेकिन टेम्परेचर अगर है तो फोटोसिंथेसिस होंगे, ऐसा है, ठीक है। अगर आकाश में बादल लगे हैं और धूप नहीं है लेकिन टेम्परेचर अगर ये रेंज में टेम्परेचर है तो फोटोसिंथेसिस होते रहेगा। अगर लाइट है, ठीक है कि नहीं, लेकिन टेम्परेचर बिलो और अबव हो जाता है तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। अब आप आगे देखेंगे हम लोग, टेम्परेचर है। अब चलो एक चीज़ देखना है
कि सुबह में और शाम में जो टेम्परेचर का जो रेंज होता है वो कम होता है, ठीक है ना। इसलिए सुबह और शाम में जो पौधे जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इसमें एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो पाता है एटमॉस्फेयर से प्लांट बॉडी के बीच। इस पॉइंट को बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट, ये भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कंपनसेशन पॉइंट याद रखना है, कंपनसेशन पॉइंट क्या है, तो बोलेंगे द पॉइंट एट विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैस अकर्स बिटवीन द प्लांट बॉडी एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट, एंड इट इज मेनली अकर्स एट द टाइम इन द इवनिंग एंड मॉर्निंग, ठीक है कि नहीं। सुबह में और शाम में चूंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होते हैं, इसलिए टेम्परेचर क्या होता है, जो लो होता है, इस टेम्परेचर पर प्लांट बॉडी में जितना कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान बनता है वो टोटल फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब हो जाता है, यूज्ड अप, और जितना फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है कौन चीज़ ऑक्सीजन, वह रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है। अर्थात कंपनसेशन पॉइंट को आप ये कह सकते हैं कि वह पॉइंट जिसमें रेस्पिरेशन का रेट और फोटोसिंथेसिस दोनों क्या होता है समान हो जाता है, अर्थात टोटल कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड अप इन द प्लांट बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड टोटल ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन, ठीक है। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस एंड टोटल ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड अप इन द यूज्ड अप फॉर रेस्पिरेशन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट, एंड एट दिस पॉइंट देर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इन्वायरमेंट, ठीक है कि नहीं। कोई भी गैस का एक्सचेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन रहेगा कि कुछ पौधे में जब सुबह में या शाम में एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होते हैं तो क्या फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो बोलेंगे यस, एट दिस टाइम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्लांट टोटली इज यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन इन प्लांट बॉडी इटसेल्फ, एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेस्पिरेशन इज टोटली यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी में बनेगा वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा, और फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट बॉडी में जितने ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा वो सभी रेस्पिरेशन के लिए यूज हो जाएगा। इसलिए न लेना है और न देना है, ठीक है ना। इसलिए न गिव एंड टेक नहीं होता है, इस पॉइंट को कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन पिछले बार पूछा था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड पौधे दिन में छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो बोलेंगे बिल्कुल फोटोसिंथेसिस नहीं होता। यदि दिन में अब पौधे में कितना ऑक्सीजन रिलीज होगा और कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा ये डिपेंड करता है प्लांट पर ये डिपेंड करता है सनलाइट पर, ठीक है। प्लांट में CO2 कितना एब्जॉर्ब होगा और ऑक्सीजन कितना रिलीज होगा यह सनलाइट, अगर लाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा और CO2 उतना ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होते चले जाएंगे, चूँकि फोटोसिंथेसिस बढ़ेंगे तो, ठीक है। तो कंपनसेशन पॉइंट याद रखना है, बहुत VBI है, ठीक है कि नहीं। हम लोग मीट गूगल मीट से देखेंगे इसको आगे। अब चलिए तीसरा है वाटर, तो वाटर है, वाटर अफेक्ट्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करता है उससे उस प्लांट वाटर में 2 से 2.5% पौधे यूज करते हैं, ठीक है कि नहीं। अदर आउट ऑफ द टोटल वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट ओनली 2 to 2.5% इज यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसलिए पौधे एक्सेस जितने भी अदर वाटर हैं वो सभी ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या होता है रिलीज हो जाता है। तो प्लांट जो यूज करता है वाटर रूट से सॉइल के द्वारा उसमें 2 से 2.5% पानी ही पौधे यूज कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। इसलिए द एरिया वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर प्लांट ग्रोइंग हैव लार्ज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देन दैट ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ वाटर एरिया, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे। फिर 4 है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इस यह क्या है, यह लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, चूँकि ब्लैकमैन ने बताया था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर है और
कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 0.03% है। यदि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.2% से ज़्यादा हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कम जाएगा, क्योंकि CO2 बहुत ही गर्म गैस है और ये एटमोस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ा देगा, जिसके कारण क्या होता है, स्टोमाटा बंद हो जाएंगे और फोटोसिंथेटिक एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग फैक्टर बिकॉज इट लिमिट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इंक्रीजेस देन इट इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सीड्स अबव द 0.2% देन इट विल स्टॉप द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब आगे हम लोग एक पॉइंट और है लास्ट, जो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। आप जानते हैं कि 3 प्रकार का कलर पिगमेंट है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें ग्रीन क्लोरोफिल है, कैरोटीन और जेंथोफिल, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और यह क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस प्लांट में क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा होगा फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होंगे, जिसमें क्लोरोफिल कंटेंट कम होगा वो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। तो ये मेन फैक्टर्स थे, इसको याद रखेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी हम लोग गूगल मीट से स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू।